तो ट्रांजेक्शंस बहुत तरह के होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो सबसे पहले अकाउंटेंट को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि इन अकाउंटेंसी, इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अच्छा, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको मेजर किया जाता है, दैट मीन्स उसकी अमाउंट डिसाइड होती है। मतलब डिसाइड किया जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन में कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है। तो पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर उसका मेजरमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजरमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ मनी कि कितना अमाउंट का ये ट्रांजेक्शन है। फिर उस ट्रांजेक्शन को एक स्पेसिफिक जगह पर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, देन होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अब हमने आगे बताया है कि ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा, वो ट्रांजेक्शन सबसे पहले तो उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। सो हमारी जो फर्स्ट बुक हो अकाउंटिंग की, वो है जर्नल, तो उसका रिकॉर्डिंग होगा जर्नल में। दिस इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स फॉलो करेंगे, और वहां पे डेबिट क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करके उसको वहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, जर्नल कौन बनाता है? तो जर्नल वो बनाते हैं कि जिनका बिजनेस स्मॉल होता है, स्मॉल बिजनेस हैविंग लेस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, वो लोग जर्नल बनाएंगे। पर जिनका बिजनेस बहुत बड़ा है, जिनके रोज के बहुत सारे सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो वो लोग जर्नल नहीं बनाएंगे। वो जर्नल की जगह पे दे विल डिवाइड द जर्नल इनटू डिफरेंट बुक्स, जिसको हम सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं, जर्नल या तो सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स आर मोस्टली प्रिपेयर्ड बाय द लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके बहुत से रोज के ट्रांजेक्शंस होते हैं, वो लोग सब्सिडियरी बुक्स बनाएंगे। अच्छा, जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स बन जाने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है, वो सेकंड स्टेप होता है हमारा लेजर पोस्टिंग। मतलब हम दूसरा एक बुक बनाते हैं, इसका नाम है लेजर, और इस लेजर में हम बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं, और उन अकाउंट्स के अंदर जर्नल को देख के, सब्सिडियरी को देख के पोस्टिंग किया जाता है। तो दूसरा बुक बनता है लेजर पोस्टिंग का। अच्छा, लेजर पोस्टिंग हो जाने के बाद जितने भी अकाउंट्स बनाए गए हैं, उन सारे अकाउंट्स का बैलेंस फाइंड आउट होता है। जितने भी आपने उस अकाउंट बनाए होंगे लेजर में, उन सभी अकाउंट में से बैलेंस फाइंड किया जाएगा। जिसे बैलेंसिंग बोला जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अकाउंट के बैलेंस डिसाइड करते हैं कि कौन से अकाउंट का कौन सा बैलेंस है। अब कुछ अकाउंट के डेबिट बैलेंस हो सकते हैं, किसी का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, तो डेबिट क्रेडिट के जो बैलेंस होते हैं वो डिसाइड होते हैं। तो ये है आपका थर्ड स्टेप। अब ये बैलेंस जो भी आप निकालोगे, वो सारे के सारे बैलेंस आपको एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम एक स्टेटमेंट बनाने वाले हैं,
उस स्टेटमेंट में इन सारे बैलेंस को लिखा जाएगा, जिसको बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सारे बैलेंस रिकॉर्ड होंगे। ये अकाउंटिंग प्रोसेस हमारी आगे चलती जाएगी। ट्रायल बैलेंस हो जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो वो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, जिसमें हम एनुअल अकाउंट्स बनाते हैं, साल के एंड में फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस को बेस में लेके, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। ये पूरी अकाउंटिंग साइकिल मैंने आपको यहाँ पे बताई कि किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोसेस चलता है। स्टार्टिंग का जो पोर्शन है, जर्नल है, सब्सिडरी बुक है, लेजर है, वो हमने कवर कर लिया है। प्रैक्टिस में और आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आगे भी हम उसको ले गए फिर से रिपीटेशन में। अब हम जा रहे हैं सीखने ट्रायल बैलेंस कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनता है। सो नाउ सी ऑन द स्क्रीन, आई एम शेयरिंग अबाउट द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस है क्या? सो ट्रायल बैलेंस इज वन टाइप ऑफ स्टेटमेंट एंड विच शोज बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लेजर। तो जो लेजर बुक है, जो लेजर में हम सारे अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें जो बैलेंस निकाला जाता है, वो बैलेंस यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। इसीलिए उसके नाम में भी आप देख सकते हो बैलेंस लिखा हुआ है। और ये एक फाइनल बैलेंस नहीं है, एक इनिशियल स्टेज का बैलेंस है। इसके इसको बेस लेके फाइनली हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को बैलेंस करने का ट्राई करेंगे, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे एनुअल अकाउंट्स जो है वो बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स में। तो इसको ट्रायल बैलेंस कहा जाता है, क्योंकि एक एक बिगिनिंग के स्टेज में है, अभी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं हुए है। इसमें सारे बैलेंस लिखे जाएंगे, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, जो भी बैलेंस होगा वो इसमें लिखा जाएगा। अच्छा, ये क्यों बनाना पड़ता है, इसको बनाने से बेनिफिट क्या होगा? तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तो ट्रायल बैलेंस में आप जितने भी अकाउंट्स पूरे साल में बनाए हैं उनके बैलेंसेस लिखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखे वो सही से लिखे कि नहीं, उसमें कोई गलती तो नहीं हो गई ना, कोई कैलकुलेशन का मिस्टेक तो नहीं हुआ ना। तो वो जो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी अगर आपको चेक करना है कि जर्नल में आपने कुछ अमाउंट गलत लिख दिया, पोस्टिंग करते वक्त कोई अमाउंट गलत लिख दिया, गलत साइड लिख दिया, तो वो सारी एरर यहाँ पे पता चल जाएगी। क्योंकि अगर कुछ एरर हुआ है आगे, तो ये ट्रायल बैलेंस कभी टैली नहीं होगा। मतलब इसमें दो साइड होती है, एक तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, तो दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर दोनों इक्वल है, मतलब आपका अकाउंट में कोई एरर नहीं है। पर अगर ये टैली नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ एरर है, तो यहां से हमें पता चलता है कि देयर इज सम एरर। ट्रायल बैलेंस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द अकाउंटिंग प्रोसेस विच शो बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट एंड हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनल स्टेटमेंट्स। मतलब जो फाइनल अकाउंट हम बनाएंगे उसमें ये हमें सपोर्ट करता है। इट इज वन सपोर्टिव स्टेटमेंट, जिसको आधार लेके लास्ट में फाइनल अकाउंट बनते हैं। और ट्रायल बैलेंस के लिए आपके पास लेजर होना चाहिए, क्योंकि लेजर में सारे अकाउंट्स होंगे, उन अकाउंट के हम बैलेंस निकालेंगे और वो बैलेंस हम इस ट्रायल बैलेंस में बताएंगे। इसीलिए इसका नाम है ट्रायल बैलेंस एंड इट इज वन स्टेटमेंट। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है? तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ट्रायल बैलेंस ज्यादातर साल के एंड में ही बनता है, इसलिए उसके ऊपर एक ही डेट होता है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2005 2022, जो भी साल होगा वो आप लिखोगे। फिर अकाउंट के टाइटल्स, जितने भी अकाउंट्स आपने बनाए होंगे पूरे साल में, वो सारे अकाउंट के नाम लिखोगे, जैसे कि सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट,
इससे बहुत सारे अकाउंट्स हो गए, उन सभी अकाउंट्स के यहाँ पे नाम लिखे जाएंगे जो आपने लेजर में से लेना है। फिर जितने भी अकाउंट्स हो गए, या तो उनका डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो जो बैलेंस है वो बैलेंस आपको यहाँ पे लिखना है और बाद में उसका टोटल होगा। अगर ये टोटल दोनों साइड इक्वल आ जाता है, मतलब आपने कोई गलती नहीं की, या तो गलती आपने नहीं की है आपके जर्नल एंट्री पास करने में, या तो पोस्टिंग करने में, या तो सब्सिडरी बुक्स बनाने में आपकी गलती नहीं है, ऐसा माना जाएगा अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल है तो। पर अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आता है, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आगे की प्रोसेस में हमने गलती की है, या तो कोई जगह पे अमाउंट गलत लिख दिया है, या तो गलत साइड पे पोस्टिंग कर दिया है। तो इस तरह का कोई भी एरर है वो आपको यहां आके पता चल जाएगा। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, दैट इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द एरर्स एंड द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। तो हम यहां पे आगे वही सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। तो जैसे अभी ऑब्जेक्टिव्स की बात किया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो है टू चेक द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी कि कितना परफेक्ट हमने लिखा हुआ है, टू हेल्प इन फाइंडिंग द एरर्स, कहाँ पे एरर हुई है वो है फाइंड करने में, वो हमें पता चलता है यहाँ ट्रायल बैलेंस बनाने से। और दूसरा, अगर ट्रायल बैलेंस आपने बनाया हुआ है तो आपका फाइनल अकाउंट बनाना बहुत ईजी हो जाता है, जो इसके बाद का चैप्टर है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए, वो आप माइंड में रखोगे तो ट्रायल बैलेंस आपको इजीली आ जाएगा। देखो, मैंने आपको बताया हमारे पास असेट्स के अकाउंट होते हैं, लायबिलिटीज के अकाउंट्स होते हैं, कैपिटल का अकाउंट होता है, एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं और इनकम के अकाउंट होते हैं। पांच मेन हेड है। अगर मॉडर्न रूल की बात करो तो मॉडर्न रूल्स के हिसाब से देर आर टोटल फाइव टाइप्स ऑफ अकाउंट, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, मतलब इनकम। तो उनके लिए देखो आप, पहला रूल है कि अगर कोई भी असेट होगी या तो कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका डेबिट बैलेंस ही होगा। जैसे फर्नीचर है, डेबिट बैलेंस ही निकलेगा। तो आपको अगर जब बैलेंस दिया हो तो आपको अगर कोई असेट देखे तो उसका डेबिट बैलेंस है, उसको डेबिट कॉलम में आप लिखोगे। अगर कोई एक्सपेंस है या तो कोई लॉस दिया हुआ है तो उसका भी डेबिट बैलेंस, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। मान लो सैलरी दिया है तो डेबिट बैलेंस होगा, रेंट पेड दिया है डेबिट बैलेंस होगा, कोई भी एक्सपेंस दिया हो डेबिट बैलेंस, कोई भी असेट दिया हो डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज और कैपिटल के लिए आपको याद रखना है कि उनका क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि लायबिलिटी क्या है, डेब्ट है, किसी को हमें पैसा देना होता है तो वो हमारा डेब्ट है और डेब्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है। एक और चीज आएगी, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। अगर आपने कोई रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, आपके प्रॉफिट में से कोई अमाउंट साइड पे रखी हुई है, तो वो रिजर्व होगा। और रिजर्व्स और प्रोविजंस के लिए क्रेडिट बैलेंस रहेगा। अगर ये चार पॉइंट आपको पता है तो क्वेश्चन में अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना बोला है तो आप इजीली बना सकते हो। तो यहां पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, देखो जो मैंने अभी बताया आपको वही है। अकाउंट के टाइटल लिखना है, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। जैसे कि मैंने अभी बताया कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, तो देखो उसका अमाउंट क्रेडिट में टिक हुआ है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारी असेट्स हैं। और असेट्स के लिए मैंने बताया था डेबिट बैलेंस, तो उनकी सारी अमाउंट डेबिट में लिखी हुई है, आप देख सकते हो। अच्छा, परचेस करोगे तो एक एक्सपेंस हुआ बिहाइंड गुड्स, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, मतलब
आप कुछ खरीद रहे हो तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे कर रहे हो, दैट इज कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड, तो वो एक्सपेंस है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा, इसलिए आप देख सकते हो डेबिट के कॉलम में है, डेबिट वाले कॉलम में है अमाउंट। अच्छा, सेल्स, सेल्स करोगे तो इनकम होगा, आप माल बेचोगे तो इनकम होगा, तो वो रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस में जाएगा, इसलिए उसको क्रेडिट में टिक किया हुआ है। सेल्स रिटर्न, सेल किया हुआ वो माल वापस आया, डेबिट हो जाएगा। परचेस रिटर्न, परचेस को अगर हम डेबिट में बताते हैं तो परचेस रिटर्न उससे ऑपोजिट होगा, क्रेडिट में जाएगा। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। कमीशन और डिस्काउंट रिसीव एक इनकम है, कोई भी इनकम हो क्रेडिट बैलेंस होगा। सैलरीज एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस में जाएगा। फिर आप देखो कुछ लायबिलिटीज दिया है, शॉर्ट टर्म लोन लिया है, बिल्स पेएबल है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पे करना बाकी है, तो ये सब लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज के लिए याद रखो उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ असेट्स दी जाएगी, कुछ लायबिलिटीज दी जाएगी, कुछ रिजर्व्स दिए होंगे, कुछ प्रोविजंस दिए होंगे, कैपिटल दिया होगा, ड्रॉइंग दिया होगा, आपको उसको इस ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में लिखना है और उसको सही तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ये आपका एक टॉपिक रहेगा। अब हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस अभी क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको बोला है कि ट्रायल बैलेंस बनाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स द्वारका प्रसाद एंड सन्स एज ऑन 31 मार्च 2017 प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो हमें उसको ट्रायल बैलेंस में लिखना है। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर रूल्स आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो रूल क्या है कि कोई भी असेट होगी तो असेट का डेबिट बैलेंस होगा, अगर कोई लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा, अगर कोई एक्सपेंस है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। ये जो लास्ट में चार पॉइंट्स दिए हुए हैं दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। असेट्स और इन्वेस्टमेंट डेबिट बैलेंस में जाएंगे, एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट बैलेंस में जाएगा, लायबिलिटीज एंड कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कोई रिजर्व दिया है, कोई प्रोविजन दिया है तो वो क्रेडिट बैलेंस में आप लिखोगे। तो इनको ध्यान में रख के अब हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज। देखो क्या लिखा है, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओपनिंग स्टॉक। अब आपको यहाँ पे इतना आइडेंटिफाई करना है कि वो डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में। तो चलो वन बाय वन हम उसको लिखते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड असेट है इसलिए वो डेबिट बैलेंस में है, वो डेबिट में जाएगा। कैश इन हैंड डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि वो एक असेट है। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है बैंक से हम जब शॉर्ट पीरियड के लिए लोन लेते हैं तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे, तो ये हमारी एक लायबिलिटी है इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो उसको क्रेडिट वाले कॉलम में लिखोगे आप। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स का स्टॉक है बेटा, आपके पास जो भी गुड्स है उसका स्टॉक है, कोई भी गुड्स का स्टॉक हो वो हमारी असेट होती है, तो असेट का तो डेबिट बैलेंस बनेगा।
परचेस, हमने परचेस किया मतलब एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस डेबिट बैलेंस में होगा। अच्छा परचेस का डेबिट बैलेंस होगा, परचेस रिटर्न उससे रिवर्स क्रेडिट बैलेंस में जाएगा। सेल्स, सेल्स मतलब हमारा रेवेन्यू इनकम, जब भी आपको कोई इनकम होती है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, बिकॉज इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो इस तरीके से कौन सी अमाउंट डेबिट में जाएगी, कौन सी अमाउंट क्रेडिट में जाएगी, वो आपको फिक्स करना है। अच्छा सेल्स क्रेडिट है तो डेफिनेटली सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होगा, उससे रिवर्स। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस हो डेबिट बैलेंस होगा। डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को डिस्काउंट दिया, डेबिट बैलेंस एक्सपेंस है हमारा। अच्छा डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव किया आपने तो डिस्काउंट रिसीव जो है एक इनकम है, इनकम क्रेडिट बैलेंस होगा। मशीनरी, मशीनरी हमारी बिजनेस की असेट है तो असेट के तो डेबिट बैलेंस होते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वही चीज है, डेबिट बैलेंस। डेटर्स, डेटर्स मतलब वो लोग जिनसे हमें पैसा लेना है, हमने उनको माल उधार बेचा हुआ है और उनसे हमें पैसा लेना है तो वो हमें 2-3 महीने में पेमेंट कर देंगे, तो डेटर्स हमारी करंट असेट है और करंट असेट है डेबिट बैलेंस में जाएगा। असेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर्स, किसी को पेमेंट करना है हमें बाकी है, हमने उधार खरीदा होगा पेमेंट करना बाकी है, हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा। बिल्स रिसीवेबल, किसी को आपने उधार माल बेचा है उससे अमाउंट लेना बाकी है, दैट इज बिल्स रिसीवेबल, हमारी असेट है डेबिट बैलेंस। बिल्स पेएबल, आपने किसी से उधार माल खरीदा है अब आपको पेमेंट करना है तो ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस गिवन बाय द ओनर, इट इज लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स द ओनर, दैट इज कैपिटल। कैपिटल और ड्रॉइंग एक दूसरे से ऑपोजिट में है, कैपिटल मतलब बिजनेस का ओनर बिजनेस में कुछ ला रहा है, ड्रॉइंग मतलब ओनर बिजनेस से कुछ ले जा रहा है, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस होगा। रेंट, अगर इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस, अगर एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस। सैलरीज एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस। लोन दिया हुआ है और ब्रैकेट में क्लियरली बताया हुआ है क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन लिया था अब हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, ये हमारी एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस में जाएगा। तो इस तरीके से आपको डेबिट क्रेडिट डिसाइड कर लेना है और एक स्टेटमेंट बनाना है जो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको इस तरीके से ट्रायल बैलेंस बना देना है। डेबिट जहां पे लिखा हुआ डेबिट वाले कॉलम में जाएगा, क्रेडिट जहां पे लिखा हुआ क्रेडिट वाले कॉलम में लिखोगे आप। ये बहुत इजी टॉपिक है जिसमें आपको बैलेंसेस दिए होंगे जैसे अभी इस क्वेश्चन में दिए हुए थे, और आपको उसको डेबिट क्रेडिट के कॉलम्स में अमाउंट लिखना है, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो सारे के सारे अकाउंट्स के नाम लिख दिए, जिनका डेबिट बैलेंस था वो डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखा, जिनका क्रेडिट बैलेंस था उनको क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा। अब आप देख सकते हो दोनों साइड का टोटल यहाँ पे इक्वल हो रहा है 2,21,650, जो बता रहा है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एरर नहीं है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट हमने बनाया है वो कंप्लीट है, कोई एरर नहीं है। अच्छा एरर होगी तो दोनों साइड का टोटल अलग आएगा, डिफरेंट आएगा, और जब डिफरेंट टोटल आता है तो फिर हमें एक टेम्पररी अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको बोलेंगे सस्पेंस अकाउंट। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो आप देखो डेबिट साइड का टोटल है 2,21,650, अब मान लो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,21,650 कम आ रहा है, तो क्रेडिट साइड 650 अगर कम आ रहा है
तो आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड 650 लिख दोगे और उसको नाम दोगे सस्पेंस अकाउंट। इन नेम ऑफ द अकाउंट में आप लिखोगे सस्पेंस अकाउंट और 650 क्रेडिट बैलेंस में लिख दोगे। सेम पॉसिबिलिटी डेबिट बैलेंस में भी है। अगर डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है तो वहां पे जो डिफरेंस की अमाउंट आएगी उसको आप सस्पेंस बोलोगे। तो टेम्पररी क्या किया जाता है, जब बैलेंस टैली नहीं होता है, दोनों साइड टैली नहीं होती है, तो एक टेम्पररी अकाउंट बनाते हैं जिसको सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, जिसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जहां पे अमाउंट डिफरेंस आएगा उस साइड उसको लिख देंगे आप। तो मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस किस तरीके से तैयार होता है। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है। इसकी हेल्प से हम फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस के लिए आपके पास लेजर अकाउंट बने हुए चाहिए, बट उस लेजर अकाउंट का बैलेंस आपको फाइंड करना है जो आप ट्रायल बैलेंस में लिखोगे। ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट आप देख सकते हो, टॉप पे लिखना है ट्रायल बैलेंस, साल के एंड का होता है इसलिए साल की डेट लिख देनी है, 31 मार्च जो भी साल है। जितने भी अकाउंट्स दिए होंगे उनके टाइटल्स लिखने हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ऑब्जेक्टिव्स, तीन ऑब्जेक्टिव है उसके, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, एरर्स फाइंड आउट करना और फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करना। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए रूल्स याद रखना है आपको, असेट्स और इन्वेस्टमेंट अगर दिया हो तो उसको डेबिट कॉलम में लिख दो, एक्सपेंस और लॉस अगर आपको दिया है उसको भी डेबिट कॉलम में लिख दो, क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस होता है ज्यादातर केस में, 99 केसेस में वो डेबिट बैलेंस में ही जाएगा। लायबिलिटीज और कैपिटल अगर आपको दिया है, कोई भी डेब्ट दिया है, कोई भी लोन दिया है जो हमने लिया है, कैपिटल दिया है, तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस में क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाएगा जिसमें सारे अकाउंट्स दिए होंगे, उनके अमाउंट दिए होंगे, आपको खाली क्या डिसाइड करना है कि कौन से कॉलम में जाएगा, उसका बैलेंस डिसाइड करना है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पर करके बताया आपको, और इस तरीके से ट्रायल बैलेंस बना लेना है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, पर यहां पे कुछ गलतियां है, मतलब डेबिट की जगह क्रेडिट में कुछ अमाउंट लिख दी है, कुछ अमाउंट सही से लिखी हुई है। आपको क्या करना है, आपको वो गलती फाइंड करनी है और बताना है कि वो सही में कहां जाएगा। तो एक एक्सरसाइज ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है, आपको खाली इतना डिसाइड करना है कि डेबिट बैलेंस में जाएगा या क्रेडिट बैलेंस में। सही है तो कोई बात नहीं, पर अगर गलत है तो फिर उसको हम रेक्टिफाई करेंगे और फिर से नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ऐसे तो आप इस ट्रायल बैलेंस को देखोगे तो दोनों साइड का टोटल इक्वल दिख रहा है, पर फिर भी गलती है, कुछ बैलेंस गलत जगह पर रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। डेबिट बैलेंस गलती से क्रेडिट में लिख दिया है, क्रेडिट डेबिट में लिख दिया है, तो अब हम फाइंड कैसे कर पाएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया रूल्स आपको याद रखने हैं, अगर रूल्स आपको याद है तो आप इजीली कर पाओगे। अच्छा कौन से रूल्स, तो जो अभी मैंने बताया ये चार रूल्स जो बताए वो, इन चार रूल्स को हम माइंड में रखेंगे और डिसाइड करेंगे कि कहां पे गलती हुई है। चलो एक बार देख लो, बाद में इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहला आइटम दिया है आपको कैश इन हैंड। अच्छा, कैश इन हैंड जो होता है वो हमारी असेट होती है। अब वो लोगों ने यहाँ पे आप देखो क्रेडिट बैलेंस में लिख दिया है, तो एरर है यहाँ पे। सबसे पहले तो कैश इन हैंड क्रेडिट में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। ये पहली गलती हमने पकड़ी। परचेस रिटर्न, अच्छा परचेस का डेबिट बैलेंस होता है, परचेस रिटर्न का क्रेडिट। अभी लोगों ने क्या किया है, परचेस रिटर्न को डेबिट में लिख दिया है, तो ये दूसरी गलती है। ये जो 4000 है वो 4000 उन्होंने गलती से लिख दिया है, तो वो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। वेजिस एक्सपेंस है, डेबिट में लिखा है, सही है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस है, सही है, 12000 रुपया डेबिट में लिखा है, सही है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्रेडिट में बता दिया है। एक्चुअली सेल्स जो होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट, तो ये 8000 गलत जगह पे लिख दिया है। कैपिटल, अच्छा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये लोगों ने डेबिट में बताया है, तो जो कैपिटल का 22000 है वो 22000 क्रेडिट के कॉलम में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, अच्छा कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट में जाएगा, इन्होंने गलती से क्रेडिट में बता दिया है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, कोई भी इनकम हो क्रेडिट में जाएगा, यहाँ पे उन्होंने डेबिट में बता दिया है, यहाँ पे भी गलती है। कमीशन अर्न, कमीशन मिल रहा, तो कमीशन मिला वो इनकम है तो क्रेडिट में जाना चाहिए, इन्होंने डेबिट में लिख दिया है। मतलब जिसने भी ये ट्रायल बैलेंस बनाई है उसने रूल्स फॉलो नहीं किए, इसलिए गलती हो गई है। नो डाउट उसका बैलेंस टैली हो गया, पर गलतियां बहुत सारी है। अच्छा मशीनरी, मशीनरी असेट है, डेबिट बैलेंस होगा बेटा, डेबिट में जाना चाहिए, ये लोगों ने क्रेडिट में लिख दिया है। स्टॉक असेट है, डेबिट में होना चाहिए, गलती से क्रेडिट में लिख दिया है। अच्छा डेटर्स 8000 दिया है, सही है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेटर असेट है, डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर्स का 12000 सही है, लायबिलिटी है, क्रेडिट में ही रहेगा। सेल्स का 44000 क्रेडिट में लिखा है, सही है, क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि सेल्स एक इनकम है, क्रेडिट में रहता है। परचेस डेबिट बैलेंस होना चाहिए, उन्होंने डेबिट में ही लिखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट, यहां पे गलती है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस हो डेबिट बैलेंस होना चाहिए, इन्होंने क्रेडिट में लिख दिया है। लोन फ्रॉम विनोद, हमने लोन लिया है विनोद से, तो ये तो हमारी लायबिलिटी बन गई। अब लायबिलिटी आप डेबिट में नहीं लिख सकते हैं, तो लायबिलिटी तो क्रेडिट में जाएगी। कैरेज इनवर्ड, ये एक एक्सपेंस है, डेबिट में जाना चाहिए, डेबिट में गलती से क्रेडिट में लिख दिया है, सॉरी डेबिट में लिखा है, यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं है, कैरेज इनवर्ड डेबिट में लिखा हुआ है, उन्होंने सही लिखा है। अब लास्ट आइटम हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, वो इनकम है, तो वो क्रेडिट में जाना चाहिए, उन्होंने भी क्रेडिट में ही लिखा है, तो यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है। मतलब हमने पूरे स्टेटमेंट को चेक किया तो आप देख सकते हो टोटल हमें 12 मिस्टेक्स मिली, ऐसे 12 अकाउंट्स है जिन्होंने उन्होंने गलत जगह पे लिख दिए, फिर भी टैली हो रहा है। आपको क्या करना होता है, इसको सही जगह पे अमाउंट लिख देना है और फिर से इसी तरह से ट्रायल बैलेंस बनाना है, कोई भी कुछ नया नहीं, एज इट इज बनाना है, खाली जो करेक्शन किए हैं उनको डेबिट वाले कॉलम में लिख देना है, जहां पे करेक्शन नहीं है उनको एज इट इज रखना होता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगर हमारे सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में
अब देख सकते हो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम हमने स्टार्टिंग में लिया, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस जो मैं बार बार समझाता रहता हूँ, टाइप्स ऑफ अकाउंट लिए हमने, रियल पर्सनल एंड नॉमिनल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिकॉर्ड जिसमें हम जर्नल सीखे, सब्सिडियरी बुक्स बनाना पड़े, आज ट्रायल बैलेंस देख लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें फिर से मैं कैश बुक का आपको रिविजन करवाऊंगा, फिर से आपको बताऊंगा कैश बुक कैसे बनता है, और हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा। सर।